सर। आप इतनी डरी हुई थी? आप बैठिए। मेरे घर में कुछ गुंडे जबरदस्ती घुस गए और सारा सामान बांध के चले गए। कौन थे, कहां से आए, क्यों आए सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। इसी ने गुंडे भेजे होंगे पैसे रिकवरी के लिए। पहले तो हम पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं और फिर गुंडे भेजते हैं पैसे रिकवरी के लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बकवास कर रही है? पिछले 3 दिनों से मैं आप लोगों के साथ यहीं पर हूँ। आप ही बताइए मैं कैसे गुंडे भेज सकता हूँ। विजय जी शांत रहिए। विजय जी आप जाइए, मैं देखता हूँ क्या करना है। गुंडे भेजते लो और फॉलो कर इनको, और हर एक सेकंड की रिपोर्ट चाहिए मुझे। वर्दी में नहीं, सिविल में जाओ। ये तो श्रीवास्तव सर है। बस बस बस, उस गाड़ी के पीछे जरा रुकना। तू थाम नहीं आलू से। आओ। थैंक यू सर, आपने मेरी बेल करवाई। मुझे तो लगा कि मैं वहीं पर सड़ जाऊंगा। मैंने तुम्हारी बेल अपने और तुम्हारे दोनों के भले के लिए करवाई है। देखो विजय, ये पैसे का जो मामला है वो जल्दी सॉल्व करो। जी। हर किसी को अपना कट चाहिए, और तुम सोच भी नहीं सकते हो ये आदमी कितने खतरनाक है और क्या क्या कर सकते हैं। सर मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं क्या? हर आदमी को लग रहा है ऊपर से नीचे तक कि तुमने जो सौरभ घाटगे की स्टोरी बनाई ना, वो सब झूठी है। सर ऐसा काई पैसा तुम्हारे पास है, अब वो सौरभ तो नीचे आके बताएगा नहीं कि पैसा कहाँ है। सर अब मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर कि आप बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं पैसे पूरी पूरे अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज मतलब थोड़ा सा वेट करें। चलो ठीक है। यो ओके। चलो हिसाब चुकता करने के लिए तुमने विजय चौहान की बेल करवा दी? नहीं सर, मैंने तो उसकी मदद की थी। मेरा कलीग था वो, जूनियर था मेरा। तो उससे मिलने की इतनी भी क्या जल्दी थी कि रास्ते में ही रोक लिया? घर जाकर भी मिल सकते थे। आप जैसा सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है सर। उसकी बीवी आई थी मेरे पास, रोते चिल्लाते बोली कि किसी तरह उसकी बेल करवा दो। मैं झंझटों से दूर रहना चाहता था, इसीलिए बाहर के बाहर मैं उस बात को खत्म करना चाहता था। मैं चाहता तो भी उसे मरवा नहीं सकता था। क्यों, क्यों नहीं मरवा सकते थे? हमारा पैसा था उसके पास, हमारा मतलब हम सब का 2 करोड़ का ब्लैक मनी था, हम सब में वो बांटना था। कितने पैसे चुराए थे सौरभ घाटगे ने तेरे घर से? ₹1.5 लाख थे सर। सर हर महीने के 10 तारीख को इसके घर में 2 से 2.5 करोड़ रुपए आता है, और ये पैसे विजय सब में बराबर बांटता है। एक दिन विजय ने मुझे फोन करके बताया कि वो सारा पैसा उसके पड़ोसी सौरभ घाटगे ने चोरी कर लिया है। हमारे पास उस पर विश्वास करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था।
क्योंकि सिर्फ विजय ही जानता था वो पैसा कहाँ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसा सचमुच चोरी हुआ होगा। हाँ, हो सकता है। वो पैसा पाने के लिए विजय का बाहर आना और जिंदा रहना बहुत जरूरी था हम सब के लिए। विजय चौहान के मरने से हमारा सारा पैसा डूब गया। सुरवे, हमारा शक सही निकला। ये 2 करोड़ ब्लैक के ही है। तो क्या सर, ये श्रीवास्तव ने 2 करोड़ रुपए के लिए विजय को मारा? श्रीवास्तव की माने तो अगर विजय मर जाता है तो उसका सारा पैसा डूबेगा, वो विजय को नहीं मारेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर विजय ने सारा पैसा हड़पना चाहा हो और ये बात सबको पता चली है तो इस चक्कर में विजय मारा जाता है। हो सकता है। सर, मुझे लगता है ये विजय चौहान की बीवी सब कुछ जानती है लेकिन फिर भी वो हमें गुमराह कर रही है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस मर्डर में उसका हाथ है और मुमकिन है कि सारा पैसा उसी के घर में। सौरभ घाटगे ने जो मुझे काम दिया था मैंने उसे पूरा कर दिया है और मैं अब अपना बैलेंस पेमेंट लेने के लिए आया हूँ। शायद आपको पता नहीं कि सौरभ को गुजरे हुए 1 हफ्ता होने वाले हैं। मालूम है मेरे को, टपका दिया होगा कोई, पर अपनी बात हुई थी। एडवांस पैसा दिया था उसने और अब बाकी का पैसा तुम देगी। मुझे मेरा पैसा चाहिए, प्यार से दी तो ठीक, और ना और भी तरीके अपने पास। अभी जा रहा हूँ मैं, कल सुबह फिर आएगा, पैसा तैयार रखना। कितना बैलेंस है? 75,000। पुलिस के पास एक विजय चौहान ही था जो इस केस में संदिग्ध था और उसका भी अब कत्ल हो चुका था। इस कत्ल ने पुलिस के होश उड़ा दिए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई मीलों चले और कहीं ना पहुंचे। ये केस पहले से काफी पेचीदा हो गया था। दूसरी तरफ एक आदमी मालती से सौरभ द्वारा दिए गए किसी काम की फीस मांग रहा था। कौन था ये आदमी और सौरभ ने इसे क्या काम सौंपा था? किसके तार कहां जुड़ेंगे कहना मुश्किल है। सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं, और पुलिस इन्हीं सवालों के जवाबों की खोज में लगी थी कि कहीं कुछ तो हाथ लगे। ये बेचारी कहां से लाएगी इतने पैसे? घर की हालत तो देखो, दीवारों के अलावा कुछ नहीं, पहले ही बहुत मुसीबत है। ये पैसे रख लो और किसी तरह ये किस्सा खत्म कर दो। ए, काय को पका रहा है? हाँ, पैसा बोल कितना है? ये 30,000 है। ये दोनों रूम में कुछ नहीं मिला सर। देखा, कुछ नहीं मिला ना। सर, मैंने कितनी बार आपको कहा हमारे घर में पैसा नहीं है। अगर पैसा सौरभ ने चुराया है तो पैसा हमारे घर में कैसे मिलेगा? प्लीज मेरा यकीन कीजिए। आप देखो ना, पापा की पैन नहीं चल रही है। अरे वाह बेटा, ड्राइंग तो बहुत बढ़िया बनाया है आपने, कहां से सीखा? और आपकी स्केच पेन्स और पेंटिंग पेंसिल का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। इतने ही पेंसिल्स और स्केच पेन है या और भी कुछ है? है ना। और अच्छा, दिखाओ तो।
ये लो सर, स्केच रेडी है। लोहार। हाँ सर। ये स्केच देखो, क्या ये वही आदमी था? हाँ सर, वही आदमी है। बाइक पे दो जन थे, विजय को मारने वाला ये है सर। गावड़े। यस सर। ये स्केच सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। ओके सर। पक्का ये रेगुलर सुपारी किलर है। हाँ सर। वे सर, वो सुपारी किलर का स्केच बन गया है और मैंने सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट भी कर दिया है। गुड। हाँ मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, वहीं बात करते हैं। ओके सर। सुरवे, पैसा तो नहीं मिला लेकिन कुछ और मिला है। मुझे लगता है हमें लीड मिल गई। आओ दिखाता हूँ। सर ये वही लड़की है हेमा, जो विजय के घर पे काम करती है। और वो लड़का कौन है? सर पता नहीं, जब पूछताछ के लिए गए थे तब वो अकेले ही थी। ये लड़का शायद इसके साथ उसका कुछ चक्कर चल रहा हो। देखते हैं आगे। प्ले करो। सर शायद कोई आया था इसलिए डर गया था और भाग गया। लगता है वो चला गया, आगे कुछ है ही नहीं। फास्ट फॉरवर्ड में देखते जाओ, शायद आगे कुछ होगा। ठीक। सर ये तो वापस आ गया साथ में बैग लेकर। विजय भाई सब कह रहे थे कि सौरभ ने उनके कोई पैसे चुराए हैं। सौरभ चोरी क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, ये सब झूठ है सर। गुड जॉब। इसका मतलब विजय सच बोल रहा था।
ब्लैक मनी था इसलिए वो पुलिस के पास नहीं आया, और सौरभ भी चोरी के इरादे से नहीं आया था। उसे चाबी मिल गई, उसने मौके का फायदा उठाया, लेकिन ये इतना सारा पैसा गया कहाँ? सर विजय के घर पे तो पैसा मिला नहीं, और फुटेज से साफ पता चल रहा है कि चोरी सौरभ ने की है। शायद सौरभ ने पैसे अपने घर पे रखे होंगे। सर हमें सौरभ के घर की तलाशी लेनी चाहिए। इतना पैसा वो घर में नहीं रखेगा, कहीं और छुपाया होगा। और एक बात, हेमा और उसके साथी के हाथ कुछ नहीं लगा, शायद सौरभ के मर्डर में उन दोनों का हाथ हो। बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि ये सब कुछ हो जाने के बाद उसने दोनों के घर का काम छोड़ दिया था। सुबह उन दोनों को उठाओ और मालती घाटगे और सौरभ घाटगे के बैंक अकाउंट चेक करो। पैसा ऐसा क्या है इसमें कि चाहे अनचाहे इंसान इसकी गिरफ्त में आ ही जाता है? इस पैसे ने सारी दुनिया को नचा रखा है। पैसे की चमक के आगे हर रिश्ता, हर एहसास घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है, और ऐसा ही हुआ था सौरभ के साथ। चोरी करने का उसका इरादा नहीं था, लेकिन इतना पैसा देखकर वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, और बरसों की दोस्ती पल भर में तहस नहस हो गई। इस पैसे ने सौरभ को चोर बनाया, हेमा से उसका ईमान छीना, और विजय तो पहले ही बिक चुका था, जिसके लिए आम इंसान दिखने वाले ये लोग अब अपराधी बन चुके थे। वो पैसा कहाँ है किसी को पता नहीं था, और पुलिस एक बार फिर हेमा के पास पहुंची। साहब मैं कोशिश किया जरूर था, पर मैं पैसा नहीं चुराई साहब। वो हमें पता है, लेकिन तू ये बता, वो लड़का कौन था तेरे साथ जिसने अलमारी की चाबी बनाई? साहब वो मेरा भाई है, उसने चाबी बनाई थी कि खड़गे साहब आ गए और हमको उधर से निकलना पड़ा साहब। वो प्लम्बर है और बाथरूम का नल खराब हो गया है, इसलिए उसको अंदर आने दिया। क्या नाम है तेरे भाई का, कहाँ रहता है वो? उसका नाम किरण है साहब, अभी वो हमारे गांव जलगांव में है। कब गया? अभी 2 दिन हुआ जाके साहब। तुझे चोट कैसे लगी? सच में सीढ़ी सी गिर गई थी या और कुछ हुआ था? नहीं साहब, मैं सीढ़ी से नहीं गिरी, वो साहब ने मुझे बहुत मारा साहब, बहुत मारा। हेमा रुक, इधर। जी साहब। कौन था? उठ साहब। जिसको लेकर आई थी चाबी बनाने के लिए, मेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया। वो सौरभ मेरे सारे पैसे ले गया, अब देने से मना कर रहा है। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया था। मैं कुछ नहीं किया? नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मरना इतना मैंने कुछ नहीं किया साहब, माफ कर दो। किसको लेकर आई थी चाबी बनाने के लिए बोल? और फिर तूने विजय चौहान के मारने वाली बात तेरे भाई को बता दी? नहीं साहब, मैं उसको नहीं बोली, वो बहुत गर्म दिमाग का है, मैं अगर उसको बोलती तो वो क्या करता मालूम नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं बोली। ठीक है गावड़े, इसके गांव का एड्रेस लो और जलगांव पुलिस को इन्फॉर्म करो किरण के बारे में। यस सर। नहीं सर, ऐसे किसी पैसे के बारे में मुझे नहीं पता। आपको ठीक तरह से याद है चोरी की बात के बाद सौरभ घाटगे में कोई बदलाव नहीं आया था? सर सौरभ में तो कोई चेंज नजर नहीं आया, पर हाँ जब से विजय भाई साहब और उनकी फैमिली गाँव से लौटे तब से माहौल बिगड़ गया था। सर हमने घर में हर जगह पर ढूंढा, कहीं पैसा नहीं मिला। मिसेस घाटगे, हमें आपके और सौरभ के बैंक पासबुक चाहिए। जी अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। सौरभ घाटगे और विजय चौहान का कत्ल हो चुका था, पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन सुराग के नाम पर सिर्फ भटकाव हाथ लग रहे थे। जिस सिरे से शुरू होते उसी सिरे पर आकर रुक जाते, परतें खुल तो रही थी लेकिन उनसे कहीं पहुंचा नहीं जा सकता था। पैसे सौरभ ने ही चुराए हैं, इसके अलावा अभी तक कुछ साबित नहीं हो पाया था, और ना ही वो पैसे बरामद हुए थे। वो पैसे ना तो विजय के घर में मिले और ना ही सौरभ के घर में। पुलिस के पास विजय के कातिल का हुलिया था, लेकिन कातिल अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। यह भी हो सकता था कि इसी कातिल ने वो पैसे भी ठिकाने लगाए हों जो चोरी हुए थे। पुलिस छोटी से छोटी बात को अनदेखा नहीं कर रही थी। जब सौरभ के घर से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपना रुख उसके ऑफिस की तरफ किया।
इस उम्मीद में कि शायद कुछ सवालों के जवाब वहां से मिल जाए। हर जगह हर कोना ढूंढो। हाँ सर, सर वो विजय चौहान का सुपारी किलर हमारे हाथ लग गया है। गुड। देख, अपने आप बताएगा तो अच्छा है, वरना ऐसी हड्डियां तोड़ेंगे कि जुड़ नहीं पाएगी। बोल, किसने सुपारी दी थी विजय चौहान की? सब सौरभ घाटके ने दिया था सुपारी। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, बहुत ही धीट आदमी है, मरम्मत करनी पड़ेगी इसकी। बोलता हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, वो ही दिया था। करीब एक हफ्ते पहले तो चाय की टपरी पे मिला था। 75,000 रुपये एडवांस है, आदमी का फोटो भी अंदर ही है। 2-3 दिन में काम करवा देना, बाद में यही मिलना, बाकी का पैसा दे दूंगा। चल निकल। साहब उस दिन मेरे को विजय चौहान के ऊपर नजर रखना था, देखने के लिए कि कभी क्या करता है, कहाँ जाता है, प्लानिंग करने के लिए। लेकिन 16 तारीख की रात को वो एक बड़े बंगले में घुस गया और मैं वहीं पे उसका इंतजार करता रहा। साहब उसके दूसरे दिन वो घर से निकला ही नहीं। फिर उसके अगले दिन मैं जैसे ही पहुंचा तो वो कहीं और निकल गया था। मैंने बहुत ढूंढा साहब उसको, रात को भी घर वापस नहीं आया। और जैसे ही वो आया तो आप लोगों ने उसको इधर बिठा रखा था। फिर 3 दिन बाद जैसे ही वो यहाँ से छूटा, मैं उसको टपका दिया। सर सौरभ ने विजय की सुपारी दी, लेकिन सौरभ की सुपारी किसने दी, किसने मरवाया उसे? पैसा विजय के पास था इसलिए वो तो उसे मरवा नहीं सकता है। पैसा कहाँ है? सर ऑफिस से कुछ क्लू मिला? हाँ, सौरभ ने कहीं ये फ्लैट बुक किया था, उसके बिल्डर का इंस्टॉलमेंट के लिए लेटर है। अभी टाइम क्या हो? सर 9:30 बज गए। अभी तो ऑफिस बंद हुआ होगा, कल इससे पूछताछ करेंगे। एक मिनट सर। हेलो, ओके सर, जलगांव पुलिस ने किरण को उठा लिया है और कल सुबह तक वो किरण को मुंबई लेकर आ रहे हैं। गुड। कुछ दिन पहले आपके कंपनी की तरफ से सौरभ गाड़गे को ये लेटर भेजा गया था, उसने यहाँ फ्लैट बुक किया था। पेमेंट उसने कैसे और कितने की थी? जी मैं एक्चुअली सौरभ ने 80 लाख रुपीज़ दिए थे फ्लैट बुक कराने के, और सारा पैसा ब्लैक में दिया था सर। सौरभ ने खुद दिए थे? कब, कितने दिन पहले दिए थे? ये कुछ हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले। और सर फ्लैट बुक करने और पेमेंट करने सौरभ और उनकी पत्नी दोनों आए थे। सौरभ अपनी बीवी के साथ आया था? जी। मैं कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जब तूने कुछ नहीं किया तो जिस दिन सौरभ का मर्डर हुआ उस दिन गांव क्यों भागा? साहब मेरे को तो पता भी नहीं था उसका मर्डर हुआ है, मैं तो ऐसे ही चला गया था। चल मान लिया, लेकिन कैसा भाई है रे तू,
तेरी बहन हेमा को विजय चौहान ने इतना मारा और तूने कुछ नहीं किया? क्या साहब, उसने फिर से मारा था उसको? मतलब हेमा को पीटा था वो तो तुझे पता था ना, और जब तुझे पता था तो तूने क्या किया? साहब, मैं उसको अपने लड़के लोग से पिटवाया था। किसे? विजय चौहान को? नहीं साहब, मैं तो सौरभ घाटे को पिटवाया था। सौरभ? सौरभ घाटगे को? लेकिन तेरी बहन को तो विजय चौहान ने मारा था ना, फिर तूने सौरभ घाटगे को क्यों मारा? साहब, क्योंकि उसके ही वजह से हाथ आए पैसे चले गए थे, और हेमा की पिटाई भी उसके ही वजह से हुई थी साहब। मैं जब चाबी बना रहा था तो उसने आके मेरे पे चिल्लाया था, और घाई में मैं चाबी उधर ही छोड़ के चला गया था। उसके बाद उसने ही जाके चोरी की थी। और साहब, हेमा की जब विजय ने पिटाई की तब ये सब सच बात मेरे को पता चली साहब। उसके बाद मैं सौरभ घाटके के पास चला गया था साहब। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या साहब, सब पैसा आप खुद ही रख लिया? अरे अगर मैं चाबी नहीं बनाता तो आपको पैसा कहाँ से मिलता? क्या क्या चाहता है? ज्यादा कुछ नहीं साहब, आपके हिसाब से जितना मेरा हिस्सा बनता है दे दीजिए। ₹50 रख। अरे रख, चाबी बनाने का इससे ज्यादा नहीं मिलता होगा ना? रख। सबका दिन आता है साहब, और मेरा भी आएगा। उस दिन मैं आपको आके बताऊंगा मेरा हिस्सा कितना बनता है। तब तक ये ₹50 आप खुद रख लेना। तो तूने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे? नहीं साहब, मैंने गुंडे नहीं भेजे थे, मैंने दोस्त लोग को ही भेजा था साहब। उन्होंने उसे बहुत मारा था साहब। और पिटाई करने के बाद भी जब वो नहीं माना तो तूने उसे जान से ही मार दिया? नहीं साहब, मैंने उसे जान से नहीं मारा था साहब। मैंने जो भी किया आपको सब साफ साफ बोल दिया साहब। मुझे तो पता भी नहीं था उसका मर्डर हो गया है साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या यही आई थी सौरभ घाटगे के साथ आपके ऑफिस में? नहीं, ये नहीं आई थी। ये नहीं आई थी उसके साथ? नहीं। और कुछ है जो आप हमें बता सकते हो? सर वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सारा पैसा ब्लैक में दिया था। याद आया सर, 2 दिन बाद मिसेस घाटगे के पिताजी आए थे सैंपल प्लेट देखने के लिए। सर, सौरभ के बॉडी पर जो निशान मिला है वो उसके मरने के 1 दिन पहले का है। किरण का इस मर्डर में कुछ हाथ है ऐसे सबूत तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैंने किरण के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। सौरभ घाटगे के कॉल रिकॉर्ड्स ले आओ। सर ये सर्वे कॉल्स चेक किए हैं ना, सौरभ घाटगे का कुछ अफेयर भी था। सर लेकिन ज्यादातर कॉल विजय चौहान को ही किए गए हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर शक किया जा सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग दूसरा नंबर यूज करते हैं, हो सकता है सौरभ घाटगे भी वही करता होगा। सर ये देखिए, ये नंबर नैना अवस्थी जो उसकी कलीग है। नैना अवस्थी वो वही है ना पूछताछ के दौरान सौरभ घाटगे को याद करके रो पड़ी थी? हाँ सर वही है। सौरभ घाटगे और इसमें कितनी बार फोन हुआ है और दिन में कितना वक्त बोलते थे ये चेक करो जरा। सर फिलहाल तो नहीं है, लेकिन पुराने कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है पहले बहुत लंबी बातें हुआ करती थी। मुझे लगता है इस नैना अवस्थी को मिलना पड़ेगा। देखिए मिस नैना, हमारे पास सौरभ के कॉल रिकॉर्ड से और आप दोनों के बीच में काफी लंबी चौड़ी बातें हुआ करती थी इसके सबूत भी है। क्या आप बताएगी कि आप दोनों में क्या बातें हुआ करती थी? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, और इसलिए हमने फ्लैट भी बुक कर लिया था। ये हमें पता है, ब्लैक मनी में से 80 लाख रुपए आपने दिए, बाकी पैसे कहाँ है? मेरे पास है सर, इसी घर में। लेकर आओ।
कितने पैसे चाहिए? 1,18,00,000 2,00,000 खर्च हो गए और 80,00,000 फ्लैट की बुकिंग में दिए थे। आपके पिताजी कहाँ हैं? उनकी तो 3 साल पहले डेथ हो गई, लेकिन उनका क्या लेना देना इसमें? कदम मैडम, फोटो निकालो इनका। मुझे एक फोटो और चाहिए। जी, यही आई थी सौरव घाटगी के साथ। इन्हें पहचानते हैं? यही आए थे ना सैंपल फ्लैट देखने? जी। सौरभ घाटगे की पॉलिसी कितने की थी? पॉलिसी? कौन सी पॉलिसी? पॉलिसी के बारे में तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले ही आपके पिताजी यहाँ आकर साइन लेकर गए। इसे नहीं पता, मैं खुद ही आया था इसे बिना बताए। बाबा, ये कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं? इसका मतलब आपको पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है। इसे सच में नहीं पता। ये पॉलिसी मैंने सौरभ के नाम ली थी और सौरभ को पता था इसके बारे में। कितने की थी ये पॉलिसी? 5 करोड़। कब निकाली ये पॉलिसी और इतनी बड़ी पॉलिसी? सब अभी 3 महीने पहले ही ली थी। सौरभ के बैंक डिटेल से पता चलता है कि उसने पॉलिसी का प्रीमियम कभी भरा ही नहीं। इस पॉलिसी का प्रीमियम वो नहीं, मैं भरता था। पापा? आप भरते थे? क्यों? क्यों मतलब क्या? ये मेरी एक लौती बेटी है, इसके भविष्य के बारे में मैं नहीं सोच सकता। हाँ, ये भी सही है, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिसी भरने के लिए उसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा आता है। और आपकी इनकम क्या है? साहब, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं, हम सही समझ रहे हैं। 3 महीने पहले आपने पॉलिसी निकाली क्योंकि आपको पता चल गया था सौरभ और नैना के बारे में। हाँ, मुझे पता चल चुका था। एक दिन बेटी का घर अपने सामने उजड़ते हुए देख रहा था। मैं सौरव को ऐसा ही नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसके नाम की एक पॉलिसी ली। मेरी बेटी के साथ धोखा करने वाले को मैं माफ नहीं कर सकता था। और फिर आपको उस फ्लैट के बारे में पता चला, कैसे? जब मालती ने मुझे बताया कि सौरव और विजय के बीच झगड़ा हो चुका है, तब मैंने सोचा कि हो सकता है विजय सच बोल रहा हो, क्योंकि तब तक मैं सौरभ की असलियत जान चुका था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। फिर जैसे वो दोनों वहां से निकले, मैंने सोचा कि बिल्डर के ऑफिस में जाकर पूछता हूं कि वो लोग वहां क्यों आए थे और कौन सा घर लिया था। फिर मैंने सोचा कि अभी जाऊंगा तो उनको मुझ पे शक हो जाएगा। मैं 2 दिन बाद वहां गया नैना का बाप बनकर। मेरी बेटी और दामाद सौरव घाटगे ने यहाँ पे एक फ्लैट बुक किया है। वो क्या था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनके साथ में आ नहीं सका था। Okay. तो मुझे वो सैंपल फ्लैट देखना है। वो क्या है कि वास्तु का भी ध्यान में रखना पड़ता है ना। सर, आप फिक्र मत कीजिए, वास्तु के हिसाब से ईस्ट फेसिंग लिया है उन्होंने। अच्छा, कितने तक में पड़ेगा ये फ्लैट? सर, ये डिस्काउंट रेट में उन्होंने लिया था उस वक्त 2 करोड़ में। साहब, गुस्सा तो बहुत आया था मुझे सौरभ पर। फिर उसी गुस्से में आकर सौरभ की जान ले लिया आपने। साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे उकसाया। डिवोर्स की बात सुनकर मैं पागल हो गया। बस 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 बस, रुको रुको, सौरभ सौरभ,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? यहाँ नहीं, कहीं और चल के बात करते हैं। ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? है कुछ, मेरे एक दोस्त को टैक्स में प्रॉब्लम हो गया है, बेचारा फंस गया है। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अरे नहीं नहीं, गाड़ी की क्या ज़रूरत है, ऑटो है ना, ऑटो में चलते हैं। चल। दोस्त ऐसी जगह पे रहता है, कहाँ है वो? मुझे मेरे दोस्त की नहीं, हमारी बात करनी है। हमारी? तो ये बात घर पे भी हो सकती थी, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नौटंकी बंद करो, सीधे सीधे बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैंने मालती की शादी तुमसे इसलिए की थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो अभी मैं अच्छा इंसान नहीं रहा? मुझे अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम्हारा और नैना का चक्कर, वो गोरेगांव वाला फ्लैट, अच्छा हुआ आपको सारी सच्चाई पता चल गई। मैं नैना से प्यार करता हूँ और उसे शादी। सौरभ, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरी बेटी का साथ? एहसान गिनाने की जरूरत नहीं है, जो पैसा आपने मालाड फ्लैट के लिए डाला है वो आपको सूद समेत मिल जाएगा। डिवोर्स पेपर तैयार है, मैं मालती को डिवोर्स दे रहा हूं। रहा सवाल आकाश का, तो मालती उसकी कस्टडी ले सकती है, वरना मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूं और नैना भी बच्चों से बहुत प्यार करती है, तो हम दोनों मिलके उसे पाल सकते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेगा तू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। उसको मारने के बाद उसकी लाश को वहां पास में ही छुपा दिया। बाबा, रो मत बेटी, वो इसी लायक था। विजय के घर से जो उसने पैसे चोरी किए हैं वो उसने उसी नैना के पास रखे हैं। पैसे हमने बरामद कर लिए और नैना को भी हिरासत में ले लिया है। सौरभ ने गलती की और आप उसी नक्शे कदम पे चल के गलती कर बैठे। अपने हाथ से इंसाफ करने के बजाय आप पुलिस के पास आ सकते थे, क्योंकि जुर्म की सजा जुर्म से नहीं दी जा सकती। कहते हैं कि गलत तरीके से आया हुआ पैसा कभी नहीं फलता है, वो अपनी कीमत खुद वसूलता है और जाने के रास्ते भी ढूंढ लेता है। ये 2 करोड़ रुपए भी वैसे ही थे। 2 हंसते खेलते परिवार उजड़ गए थे इस लालच की वजह से। आकाश, अंश और एकता के सर से पिता का साया उठ गया था। शीला अगर चाहती तो वो विजय को सद्बुद्धि दे सकती थी, लेकिन उसने इसे अपने पति के काम में टांग अड़ाना मान लिया, जिसकी कीमत उसे विजय को खोकर चुकानी पड़ी। सब किसी न किसी रूप में गुनहगार थे, लेकिन बेवजह जिसे ये सारा दर्द सहना पड़ा। जो सबसे दयनीय हालत में थी वो थी मालती। उसने अपना पति तो खोया ही था, लेकिन उसका अपने पति के अच्छे इंसान होने का भ्रम भी टूट गया था। रामचंद्र ने सारे फैसले खुद करने चाहे, जिसकी वजह से वो गुनहगार तक बन गया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर वो सौरभ की असलियत मालती को बता दे तो शायद मालती खुद ही उसके साथ ना रहना चाहे और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के बारे में सोचे। किसी का शुभचिंतक बनना अच्छी बात है, लेकिन उसकी मर्यादा, उसकी हद कौन तय करेगा? जिस दिन इंसान अपने आप को सर्वोपरि समझना छोड़ देगा, शायद उस दिन ये समस्या हल हो जाए। रामचंद्र को सौरभ के कत्ल के लिए सजा हुई। शीला आज भी अपने दोनों बच्चों के साथ उसी जगह पर रहती है। मालती अपनी पहचान ढूंढ रही है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, उस दुख और धोखे के घूंट को पीते हुए जो उसे बेवजह दिया गया। और आकाश आज भी अपने पापा का इंतजार कर रहा है। बचपन से लेकर आज तक हम सब ये कहावत सुनते आए हैं, लालच बुरी बला है,
ऐसे हादसों से बचा जा सकता है, जरूरत है तो सिर्फ इस कहावत पर अमल करने की। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।